हाय गाइस, इस वीडियो पर क्लिक करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं लर्न विथ मी। दोस्तों, हम लोग क्लास 9th के इंग्लिश बुक के पोट्री शिक्षण का फर्स्ट चैप्टर द ग्रेट मदर के बारे में विस्तृत रूप से जानकारियां हासिल करने वाले हैं। और इस पोम के पॉइंट हैं रे यंग बियर साहब। तो हम सर्वप्रथम इस कविता को पढ़ने के पूर्व हम रे यंग बियर साहब के जीवन विवरण के विषय में कुछ तथ्यों से रूबरू हो जाएं। तो दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं रे यंग बियर साहब से संबंधित कुछ जानकारियां। तो रे यंग बियर वॉज बोर्न इन 1950। रे यंग बियर साहब का जन्म, कवि का जन्म 1950 ईस्वी में हुआ था। अब कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म मार्शल टाउन लोबा स्टेट यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। कहने का मतलब, वह जिस सिटी में जन्म हुआ उस सिटी का नाम था मार्शल टाउन और स्टेट था लोबा स्टेट। और किस कंट्री में था? तो वह यूनाइटेड स्टेट्स में पड़ता है। तो दोस्तों, हम सर्वप्रथम ये जान लें महत्वपूर्ण एक इन्फॉर्मेशन कि यह कवि अभी तक जीवित हैं और खुशहाली पूर्वक अपने 3 बच्चों और बीबी स्टेला के साथ वही मेस्क्वाकी ट्राइबल सेटलमेंट में मौजूद हैं, उपलब्ध हैं। तो दोस्तों, हम इसके बारे में कुछ जानें। इज अ नेटिव अमेरिकन पोइट एंड नॉवलिस्ट ऑफ द मेस्क्वाकी ट्राइब ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के मेस्क्वाकी ट्राइब के पोइट और नॉवलिस्ट इन्हें कहा जाता है। मेस्क्वाकी ट्राइब के पोइट और नॉवलिस्ट कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? तो रे यंग बियर साहब को। और ये मेस्क्वाकी ट्राइब जो है वो कहाँ से संबंधित है? तो नॉर्थ अमेरिका से। नेक्स्ट लाइन, ग्रोइंग अप ऑन द मेस्क्वाकी ट्राइबल सेटलमेंट इन लोवा ही वॉज इनकरेज टू लर्न इंग्लिश बाई हिज मेटरनल ग्रैंड मदर। अब वहीं पर उनका लालन पालन हुआ, पालन पोषण हुआ। वहीं पर रह करके वह अपने समृद्धि को प्राप्त किए। और कहाँ रहे वो? तो अभी मैंने तुरंत बताया, मेस्क्वाकी ट्राइबल सेटलमेंट में। मेस्क्वाकी ट्राइबल सेटलमेंट में, और यह है लोवा स्टेट में। चलिए, इस सेटलमेंट को बनाने में बेयर साहब के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, जिसको कह सकते हैं हम लोग नाना, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहा। चूँकि 1857 में वह पैसों को कलेक्ट करके और वहाँ पर ज़मीन जो है ख़रीदे और वहीं पर एक बस्ती जो है, एक कबीला मेस्क्वाकी का वह एस्टेब्लिश किए। और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि उसे इनकरेज किया गया इंग्लिश सीखने के प्रति अपने मैटरनल ग्रैंड मदर के द्वारा, यानी उनकी जो ग्रैंड मदर है, यानी ग्रेट ग्रांड मदर, तो नानी जिसको कहते हैं, वह कवि के जीवन में एक गॉडेस है और उन्होंने ही कवि को मेस्क्वाकी लैंग्वेजेस सिखाई। और साथ ही साथ उस मेस्क्वाकी में जो ट्रेडिशनल जो कॉन्सेप्ट्स था, या मीथ्स था, या बिलीफ सिस्टम्स था, या कल्चर्स था, या कस्टम्स था, के बारे में जानकारियां दी। किसको जानकारियां दी? तो बेयर साहब को। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि मेस्क्वाकी जो लैंग्वेज है उसे भी, और इंग्लिश लैंग्वेज भी उसी ग्रैंड मदर ने उसे सिखाई।
या सिखाने के प्रति अभिप्रेरित की। एंड ही बिगन टू ट्रांसलेट हिज पोम्स इनटू दैट लैंग्वेज। और सर्वप्रथम बेर साहब वह मैं क्वाकी लैंग्वेज में ही लिखा करते थे, लेकिन फिर उसे नॉलेज हो गया इंग्लिश लैंग्वेज से संबंधित भी, तो वह मेस्क्वाकी लैंग्वेज को इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करके भी अपना कविता रचते थे। हिज वर्क वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1968। उसका जो वर्क है सर्वप्रथम 1968 में प्रथम बार पब्लिश किया गया। ही ऑफन स्विचेज बिटवीन इंग्लिश एंड द मेस्क्वाकी लैंग्वेज टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ मोर फुली। और कभी कभी वे मेस्क्वाकी लैंग्वेज में और कभी कभी इंग्लिश लैंग्वेज में अपने कविताओं को लिखते थे, अपने रचनाओं को लिखते थे। कभी कभी वह अपने लेखनी में इंग्लिश और मेस्क्वाकी लैंग्वेज दोनों का प्रयोग करते थे जोरदार बनाने के लिए या खूबसूरती सजाने के लिए। अब ये तो समझ में आ गया आपको। अब इसका जो मेन 3-4 पोट्री कलेक्शन वो बहुत ही फेमस है। जैसे मैं नाम लेना चाहूँगा कि विंटर ऑफ द सालमंडर जिसका पब्लिकेशन हुआ था 1980 में, उसके बाद द इनविजिबल म्यूजिशियन जिसका पब्लिकेशन हुआ था 1990 में, उसके बाद मैनिफेस्टेशन वॉल्वरीन जिसका पब्लिकेशन हुआ था 2015 में। उसके बाद कुछ फिक्शंस भी इनका प्रचलित है जैसे ब्लैक ईगल चाइल्ड जिसका पब्लिकेशन 1992 में हुआ, उसके बाद रेमनेंट्स ऑफ द फर्स्ट अर्थ यह भी फेमस है और इसका पब्लिकेशन 1998 में हुआ। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन रहा रे यंग बेर साहब से संबंधित। और इन द प्रेजेंट पोम द ग्रैंड मदर ही ड्रॉज ए पिक्चर ऑफ हिज ग्रैंड मदर ऑल लविंग एंड ऑल इंस्पायरिंग। तो यह कविता जो प्रेजेंट पोम दिया गया है इसमें कवि अपने नानी के बारे में, अपने ग्रैंड मदर के बारे में बहुत ही बेहतरीन अंदाज में डिप लव एंड अफेक्शन प्रदर्शित किए, एग्जिबिट किए। और उनके अनुसार उनके जो नानी हैं ऑल लविंग हैं और ऑल इंस्पायरिंग हैं, मतलब स्नेहमयी और प्रेरणादायी हैं। कहने का मतलब वह डियरेस्ट टू ऑल रहें और सेंटर ऑफ इंस्पिरेशन रहें। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे पोएम के बारे में, तब तक के लिए धन्यवाद। And no one ever would have dared to tread on you.